नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक घरेलू उपाय की, उपचार की, जो कि आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आपके चेहरे की स्मार्टनेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, दिन भर व्यस्त रहते हुए स्किन की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए रात में सोने से पहले कुछ चीजें चेहरे पर लगा सकते हैं। इन चीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स फेयरनेस बढ़ाते हैं। लगातार 7 दिन तक इन्हें चेहरे पर लगाने से ग्लो बढ़ता है। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसी ही 9 चीजों के बारे में। पहली चीज है कच्चा दूध। कच्चा दूध लगाने से डेड स्किन निकल जाती है। और दूध से नहाने के लिए 2 चम्मच दूध ले लो, गर्म नहीं करना, कच्चा दूध। शरीर पे रगड़ लो, मालिश कर लो, पानी से नहा लो, सारा मैल और गंदगी निकल जाता है। स्किन का ग्लो बढ़ता है। स्किन को टाइट रखने के लिए कच्चा दूध लगाएं। अब मैं कई लोगों से कहता हूँ डब से क्यों नहाते हो, तो लोग कहते हैं ये दूध का बनाया हुआ साबुन है। अरे मूर्ख लोगो, दूध से ही नहा लो, दूध के साबुन से क्यों नहा रहे हो। यह रिंकल्स से भी बचाता है। दूध से बड़ा क्लेंजिंग एजेंट कोई भी नहीं है। ब्यूटी पार्लर में दूध से ही चेहरे और बॉडी की क्लीनिंग की जाती है। दूध से नहाने का फायदा बहुत है। पहला कि दूध की बिक्री बढ़ेगी, पैसा किसानों को मिलेगा। दूसरा फायदा, दूध से नहाओ तो गंदगी निकल जाती है सारी। दूध जो है ना, बेस्ट क्वालिटी क्लींजिंग एजेंट है। जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स है ना, वहां सब जगह मिल्क क्लींजिंग होता है और वो 500 रुपए में करते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूँ आप। स्किन के लिए दूसरी बहुत ही लाभकारी जो वस्तु है वो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस को कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं, ये फेयरनेस बढ़ाती है, ड्राइनेस से दूर करती है। यह हर मौसम में स्किन के लिए फायदेमंद होता है। तीसरी चीज जो हमारी स्किन को सुंदर और ग्लो देती है, गुलाब जल। चेहरे पर गुलाब जल लगाने से स्किन की सॉफ्टनेस बढ़ती है। जिन लोगों की स्किन रफ है उन्हें मलाई में गुलाब जल मिलाकर लगाने से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। चौथी चीज जो हमारी स्किन का ग्लो बढ़ाती है वो है आलू का रस। इससे रंग गोरा होता है और चेहरे की चमक भी बढ़ती है। अगर आपके पास समय कम हो तो आलू की स्लाइस का यूज कर सकते हैं। अगली चीज दोस्तों है नारियल का तेल, जो कि स्किन को बहुत ही रिफ्रेश कर देता है। चेहरे पर इसकी हल्की मालिश करने से रिंकल्स दूर हो जाते हैं। स्किन की सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए नारियल तेल बेहद फायदेमंद होता है। नहाने से पहले नारियल या सरसों के तेल को नाभि में जरूर लगाना चाहिए और इनको होठों पर भी लगाना चाहिए, होठ कभी नहीं फटेंगे। दोस्तों, अगली चीज है शहद। शहद में नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से जो चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं वो दूर हो जाते हैं और फेयरनेस भी बढ़ती है। चाहे तो इसमें आप बेसन भी मिलाकर यूज कर सकते हैं और इससे स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाती है। सातवीं चीज हमारी इस लिस्ट में है ग्रीन टी। ग्रीन टी को कॉटन से चेहरे पर लगाएं और कुछ देर बाद चेहरा धो लें। इससे स्किन का ग्लो बढ़ता है। ग्रीन टी बैग का भी यूज किया जा सकता है, वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। आठवीं चीज हमारी इस लिस्ट में है बेसन। बेसन में दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। इसे चेहरे पर लगाने से स्किन की चमक बढ़ती है। बेसन को आप मलाई में मिलाकर उसे शरीर पर भी लगा सकते हैं और फिर बिना साबुन लगाए ही नहा लें। चने के आटे से नहा लो, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, मुल्तानी मिट्टी से बाल भी धो लो। चने का आटा माने बेसन, उसमें मलाई मिलाइए, पेस्ट बनाइए, उसको रगड़िए और उससे नहाइए। फिल्मी दुनिया की हीरोइनें जैसे हेमा मालिनी, वो खुद ये कहती हैं कि वो आज भी यही तरीका अपनाती हैं अपनी स्किन को ग्लो बढ़ाने का। बंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ था। एक कोई फिल्मी हीरो है, उनका नाम है धर्मेंद्र।
उन्होंने मेरे व्याख्यान के कैसेट सुने। कहने लगा अच्छा फिर तो मुझे खुशी है आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊंगा। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि लक्ष्य से नहाती हो। एक बार राजीव दीक्षित जी ने खुद अपने व्याख्यान में ये बताया कि धर्मेंद्र जी के बुलाने पर जब वे उनसे मिलने गए तो वहां हेमा मालिनी जी भी उपस्थित थी, और जब राजीव जी ने उनसे पूछा कि उनकी सुंदर त्वचा का राज क्या है तो उन्होंने स्वयं बताया कि वे मलाई, बेसन और हल्दी का इस्तेमाल करती हैं अपनी स्किन की ग्लो को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूँ, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूँ। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती हैं तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती। कहने लगी डर लगता। मैंने कहा क्या डर लगता? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएं। दोस्तों नौवीं चीज है खीरे का रस। खीरे के रस में नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से रिंकल्स से बचाव होता है, स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है। इसे एलोवेरा जूस में मिक्स करके भी लगाना फायदेमंद होता है। दोस्तों उम्मीद है ये टिप्स, ये घरेलू उपाय उपचार आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में, आपकी स्मार्टनेस को और बढ़ाने में आपको फायदा देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखते रहिए हमारा चैनल और अपने आप को रखिए स्वस्थ। नमस्कार दोस्तों।